प्रमुख स्वाधीनता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को एक अजेय योद्धा और महान विचारक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर लोहिया अपने विरोधियों के बीच भी अपार सम्मान हासिल करने वाले निडर राजनीतिज्ञ थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को कस्बा अकबरपुर फैजाबाद में हुआ था। उनके पिता श्री हीरालाल पेशे से अध्यापक और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलने जाते तो राम मनोहर को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। लोहिया जी अपने पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में भी पहली बार शामिल हुए थे। वे सच्चे समाजवादी थे। वे चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद, कोई दुराव और कोई दीवार न रहे, सब जन समान हो, सब जन सबका मंगल चाहते हो। उनकी दृष्टि में जन को यथार्थ और सत्य से परिचित कराया जाना चाहिए। प्रत्येक जन जाने कि कौन उनका मित्र है, कौन उनका शत्रु। जनता को वे जनतंत्र का निर्णायक मानते थे। इस तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मानव की स्थापना के पक्षधर समाजवादी थे। उनमें संत की संतता थी, फक्कड़पन भी था, मस्ती थी, निर्लिप्तता थी और अपूर्व त्याग की भावना थी। वे समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वे अपने कार्यक्षेत्र को जन मंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। लोहिया की चिंतन धारा कभी देश काल की सीमा में बंदी नहीं रही। विश्व की रचना और विकास के बारे में उनकी अनोखी और अद्वितीय दृष्टि थी। इसीलिए उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था। वे मानव मात्र को किसी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। वो चाहते थे कि एक से दूसरे देश में आने जाने के लिए किसी भी तरह की कोई कानूनी रुकावट न हो और संपूर्ण पृथ्वी के किसी भी अंश को अपना मानकर कोई भी कहीं आ जा सकने के लिए पूरी तरह आजाद हो। लोहिया की विचार पद्धति रचनात्मक रही है। वे पूर्णता और समग्रता के लिए प्रयास करते थे। लोहिया अनेक सिद्धांतों, कार्यक्रमों और क्रांतियों के जनक रहे हैं। वे सभी अन्यायों के विरुद्ध एक साथ जिहाद बोलने के पक्षपाती थे। डॉक्टर लोहिया को भारतीय संस्कृति से अगाध प्रेम था। समाजवाद की यूरोपीय सीमाओं और आध्यात्मिकता की राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़कर उन्होंने एक विश्व दृष्टि विकसित की। उनका विश्वास था कि पश्चिमी विज्ञान और भारतीय अध्यात्म का असली और सच्चा मेल तभी हो सकता है जब दोनों को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि वे एक दूसरे के पूरक बनने में समर्थ हो सकें। कश्मीर समस्या हो, गरीबी, असमानता या फिर आर्थिक मंदी, इन तमाम मुद्दों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चिंतन और उनकी सोच स्पष्ट थी। भारत माता से लोहिया की मांग थी, हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ जीवन की मर्यादा से रचो। एक नई सभ्यता और संस्कृति की दृष्टा और निर्माता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का 12 अक्टूबर 1967 को 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।